दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। कृषि कानून के खिलाफ सीटू का चंबा में धरना प्रदर्शन। सुबाथु के थड़ी में एक ही परिवार में 6 कोरोना पॉजिटिव। सर्दी जुकाम है तो लाल मास्क पहने। ऑनलाइन स्टडी मॉनिटर करेंगे कॉलेज प्रिंसिपल, उच्च शिक्षा विभाग ने दिया आदेश। अर्की में सिविल सप्लाई के गोदामों पर खाद्य आपूर्ति मंत्री की रेड। अब समाचार विस्तार से। सीटू की चंबा जिला इकाई ने गुरुवार को कृषि कानून के खिलाफ डीसी ऑफिस के बाहर जमकर हल्ला बोला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने किसान बिल के विरोध में आंदोलनरत किसानों का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अरे कालाबाजारी को बढ़ावा देने वाले कानून नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। किसानों से बात ना करने वाली केंद्र सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। विरोध प्रदर्शन की अगुवाई सीटू जिला महासचिव सुदेश ठाकुर ने की। उन्होंने कहा कि आज का विरोध प्रदर्शन केंद्र सरकार द्वारा पारित किसान विरोधी बिल और निजीकरण को बढ़ावा देने वाली नीतियों के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि सीटू किसानों के देशव्यापी आंदोलन का समर्थन करती है। आज पूरे देश में जो जनवादी संगठन है, सीआईटू, नौजवान सभा, किसान सभा, महिला समिति और अन्य भी संगठन जो है, वो किसानों का जो आंदोलन पूरे देश के अंदर चल रहा है उसके समर्थन में आज प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो किसान मांग कर रहा है उसकी मांग को सरकार सुने और ये जो किसान विरोधी ये काले कानून हैं सरकार ने पास किए हैं इनको तुरंत निरस्त करे और जो किसान जो स्वामीनाथन कमीशन की जो सिफारिशें हैं सरकार उसको लागू करे। हम ये चंबा में भी आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हम छात्र संगठन, नौजवान संगठन और मजदूरों का, हमारा सीआईटू का संगठन, हम चंबा में प्रदर्शन कर रहे हैं किसानों के समर्थन में। ये जो आंदोलन है ये आंदोलन सरकार के द्वारा ही तैयार किया गया आंदोलन है क्योंकि किसान जो थे वो पहले से सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो आप कानून लाए हैं ये किसानों के पक्ष में नहीं है। सुबाथु के साथ लगते ग्राम थड़ी में एक बार फिर 6 कोरोना पॉजिटिव मामले आने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। बीती रात को ही स्वास्थ्य विभाग की ओर से सुबाथु में 6 कोरोना पॉजिटिव मामलों की पुष्टि की जा चुकी है जिसके बाद ग्रामीण सतर्क हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी संक्रमित एक ही परिवार के सदस्य हैं। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद संक्रमित परिवार को होम क्वारंटीन किया गया है। मामले की पुष्टि बीएमओ धर्मपुर अमित रंजन ने की है। अगर आप जुकाम सर्दी से परेशान हैं तो लाल मास्क पहने ताकि पता चले कि आप जुकाम सर्दी से पीड़ित हैं। ये आह्वान किया गया है एनजीओ आसरा फाउंडेशन नगरोटा द्वारा आयोजित एक दिवसीय जागरूकता शिविर में। ग्राम पंचायत गदियाड़ा में आयोजित कोविड-19 जागरूकता शिविर में लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक किया गया। इस दौरान बताया गया कि सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनकर ही जाएं। प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में ऑनलाइन स्टडी हो रही है या नहीं, इस पर कॉलेज रोज शिक्षकों से रिपोर्ट लेंगे। इस बाबत उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। शिक्षा विभाग के निदेशक प्रमोद चौहान ने कहा कि महामारी के दौरान केवल ऑनलाइन स्टडी एक ऐसा माध्यम रह गया है जिससे कि शिक्षा को जारी रखा जा सके। ऐसे में ऑनलाइन स्टडी में अगर शिक्षकों द्वारा कोताही बरती गई तो जवाबदेही कॉलेज प्रबंधन की होगी। ऑनलाइन स्टडी को अनदेखा करने पर शिक्षा विभाग कॉलेज के प्रबंधन से रिपोर्ट तलब करेगा और लापरवाही बरतने पर कारण बताओ नोटिस भी जारी हो सकते हैं। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने अर्की में सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन के गोदामों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के पश्चात मंत्री ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सिविल सप्लाई गोदाम के भीतर खाद्यान्नों का रखरखाव संतोषजनक पाया गया। हालांकि पुराना सिविल सप्लाई गोदाम की हालत ठीक है लेकिन गोदाम के समीप खाली पड़ी भूमि को देखते हुए प्रशासन से उस भूमि को खाद्य आपूर्ति विभाग को सौंपने की कार्यवाही पूरी करने को कहा जाएगा ताकि उसका उपयोग कर एक और गोदाम का निर्माण किया जा सके।